हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्लास में हमने रैंकोमेट्रिक्स चैप्टर की स्टार्टिंग के कुछ बेसिक डेफिनेशंस, यानी कि रैंकोमेट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट फॉर्म से हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। और इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोट्स भी मैंने लास्ट में लिखवाए थे, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? वो एग्जांपल जो बेसिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। इससे पहले जो एग्जाम्पल थी मैं लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ। कहते हैं शो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ द रैंक 1। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसका रैंक 1 नहीं हो सकता, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर ऑर्डर नहीं गिवन है, तो हम 2x2, 3x3, 4x4 इस टाइप से एक एग्जांपल लेकर के प्रूव कर सकते हैं कि उसका जो ऑर्डर है वो 1 नहीं होगा, 1 से ग्रेटर हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर चलती हूँ। एग्जांपल के लिए हम लेकर चलते हैं 4x4 ऑर्डर। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल नंबर होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं, राइट? हम यहाँ पर ले लेते हैं F, G, H, L, M, N, 0, 0, 0, ये हमारा डायगोनल हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल होता है माइनस ए जे आई के। समझ में आया कैसे? ये हमारे पास प्लेस है ए 1, 2, तो हम क्या बता सकते हैं? माइनस ए 2, 1। 2, 1 प्लेस कौन सा? ये वाला। तो अगर मैं इस पे माइनस अप्लाई कर दूँ A12 पे, तो ये नंबर आ जाएगा माइनस F। ठीक है जी। इसके बाद A13 इक्वल्स टू माइनस A31 माइनस G। A23 ये कौन सा प्लेस हुआ हमारे पास? A23 ये इक्वल होगा माइनस A32 के, यानी कि माइनस H, नेक्स्ट माइनस L, माइनस M, माइनस N। तो ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जो देखते ही आपको जो एलिमेंट्स होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये नंबर सेम होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ है कि भाई ए आई जे किसके इक्वल होता है? ए जे आई के इक्वल होता है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहली जो इसकी हम देखते ही पता कर सकते हैं, सबसे पहली पहचान क्या होती है? इसका डायगोनल नंबर जो है वो 0 होते हैं। इसका जो डायगोनल मेन जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो 0 होता है, और ए जे आई इक्वल होता है माइनस ए जे आई के, इसलिए सॉरी ए आई जे, ये नंबर मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट साइन के होंगे। तो ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर जो एफ जी एच एल एम एन है, इनकी वैल्यू, क्योंकि मुझे नॉन जीरो लेना है, क्या कहता है? शो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ द रैंक 1। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास होगी, यहाँ पर एफ जी एच एल एम एन, ये नंबर सभी के सभी 0 के इक्वल नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले मिनिमम क्या हो सकता है। मिनिमम इसका रैंक जो है वो 2 हम चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ओनली 0 लेती हूँ तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका रैंक तो 0 ही हो जाएगा, राइट? तो मैं यहाँ पे 2x2 का कोई भी यहाँ पे एलिमेंट ले लेती हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने सब मैट्रिक्स लिया 0f-f0, 2x2 का हमने सब मैट्रिक्स लिया है। किसका? इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हमें ये बताना है कि इसका रैंक 1 नहीं हो सकता, 1 से ग्रेटर हो सकता है। अगर मान लो मैं इसकी सब मैट्रिक्स लेती हूँ ओनली 0 एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट ओनली 0 ले लेते हैं, तो ये तो क्या हुआ? ये तो इसका तो रैंक 0 मैट्रिक्स, तो इसका रैंक तो हमारे पास 0 रहेगा। इसलिए हम मिनिमम 2x2 की मैट्रिक्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये सब मैट्रिक्स को। इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A1 इक्वल्स टू 0f-f0। अब यहाँ पे अगर एफ़ की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, फिर से रैंक हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो एफ़ हम लेकर चले हैं वो क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड? डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। 0+f2, एफ नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2x2 का जो हमने यहाँ पे सब मैट्रिक्स लिया है, 2x2 का सब मैट्रिक्स लिया है, इसका हमने माइनर फाइंड आउट किया, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है।
तो मिनिमम रैंक कितना हो सकता है? मिनिमम रैंक किसी भी स्क्यूज मेट्रिक मैट्रिक्स का 2 हो सकता है. क्लियर दैट? तो इसी टाइप से हमें यहाँ पे बताना था कि कोई भी स्क्यूज मेट्रिक मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं यहाँ पर, वो क्या होगा भाई, इनका रैंक जो है वो 1 नहीं होगा, 1 से ग्रेटर होगा. ये जो हमारे पास एल एम एन एफ जी एच, ये जो नंबर है ये सारे के सारे अनइक्वल हैं. दीज आर अनइक्वल, यानी कि कोई एक दूसरे के सेम नहीं है, अनइक्वल नंबर्स हम लेकर चले हैं. तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कि हमने मिनिमम इसका जो सब मैट्रिक्स है वो 2x2 हम लेकर चलते हैं. यहाँ पर ये हम बता सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0. सो वी कैन राइट रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. भाई इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. क्यों? क्योंकि 3x3 का अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो भी तो नॉट इक्वल्स टू 0 आ सकता है ना. तो इसका रैंक मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम इसके ऑर्डर पर डिपेंड करेगा और मैट्रिक्स की फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा. तो हमें सिर्फ इतना बताना था कि इसके उस मैट्रिक मैट्रिक्स का रैंक 1 नहीं होगा तो कम से कम कितना होता है, 2 होता है, तो 1 होगा ही नहीं. अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से आपको ये प्रूव करना है. रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. तो यहाँ पर क्योंकि रैंक है ही इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, सो हम यहाँ पे बता सकते हैं, वी कैन से दैट रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 1, 1 के इक्वल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू 2, वेयर ए मैट्रिक्स इज दिस. ये आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, कहता है कि x की वैल्यू निकालिए अगर मैट्रिक्स a का रैंक लेस देन इक्वल्स टू 2 है. अब यहाँ पे जो a मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर की है भाई, ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर. मैक्सिमम रैंक इसका कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन हमें ये बोला गया है कि रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी 2 के इक्वल होगा या 2 से लेस होगा. इसका ये मतलब हुआ कि 3x3 ऑर्डर का जो माइनर है मैट्रिक्स a का, वो इक्वल्स टू 0 होगा. राइट? सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 3x-8, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट रहेगा 3x3 ऑर्डर का, ये क्या होगा, इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होता तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 भी तो हो सकता था ना. अगर हमें रैंक लेस देन इक्वल्स टू 2 दिया गया है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ रैंक वी कैन से दैट माइनर ऑफ 3x3 ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू 0. राइट? यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे और हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. या तो आप यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो और जितना 0 यहाँ पे बन रहा है आप बना सकते हो, या डायरेक्ट आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो. ये आप पर डिपेंड करता है, जो भी आपको सूटेबल लगता है उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. राइट? यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 हम सिर्फ 2 ही प्लेसेस पर बना सकते हैं. दिस कैसे भी कर सकते हो आप, हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. 3x-8 square -9 -3 into 3x-8 -9. Next is +3 into 9 -3 into 3x-8 = 0. ठीक है? तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें यहाँ पे बतानी है x की वैल्यूज. बहुत सिंपल सा है, आई होप आप इसको कर सकते हैं इजीली. राइट? तो यहाँ से आप इसको सॉल्व ही करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पे, a-b² यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके और x के जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे बन सकते हैं फैक्टर बनाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. राइट? तो ये बहुत ईजी सा कैलकुलेशन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो टिप्स हमारे पास है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ या डेफिनेशन से जो हमारे पास छोटी छोटी जो हिंट निकल करके आते हैं उनको आपको नोट डाउन करना है. रैंक ऑफ मैट्रिक्स या कंप्लीट एल्जेब्रा बुक या फिर कंप्लीट बीएससी बुक्स के या फिर इसके सॉल्यूशंस के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर वहाँ से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, आपको लिंक जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप का लिंक, और वहाँ से आप बुक्स की पीडीएफ या सॉल्यूशन की पीडीएफ ले सकते हैं. कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है ऑनलाइन कंप्लीट कोर्सेज के लिए तो आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन या
www.nivaramaths.com वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज वहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और सभी प्रॉब्लम्स अपने शेयर कर सकते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशंस इन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको इसी टाइप से बोर्ड पर मिलेंगे, जिसको आप बहुत अच्छे से आराम से घर बैठकर समझ सकते हैं और कंप्लीट जो बुक्स है वो इजीली कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है 4x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें गिवन है, विल बी लेस देन 3। कंडीशंस निकालिए अगर इसका रैंक 3 से लेस है, और हमें इसका रैंक भी बताना है कि इसका रैंक कितना हो सकता है। तो कंडीशंस निकालने का मतलब है कि हमें यहाँ पे P और Q की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। P और Q की वैल्यूज़ कब, जब हमें ये कंडीशन दी जाए कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगर मैं इसको A मैट्रिक्स लेती हूँ तो रैंक ऑफ A हमें बोला गया है क्या है, लेस देन 3। लेस देन 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3x3 ऑर्डर के जितने भी माइनर हमारे पास आएंगे वो सभी इक्वल टू 0 होंगे। क्लियर दैट, क्योंकि इसका जो रैंक है वो क्या है, लेस देन 3 है। सो M1 मैं ले लेती हूँ फर्स्ट माइनर ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 ऑर्डर के लिए मैं सबसे पहले लास्ट रो को एलिमिनेट कर रही हूँ, 0p-2, 2, 0q-1, p+2। ठीक है जी, M2 ले लेते हैं हम, लास्ट सेकंड रो को एलिमिनेट कर लेते हैं, 0p-2, 2, 0, 0, 3। इसके बाद M3 लेकर चलते हैं, M3 1, 0, 0, सेकंड रो को एलिमिनेट कर दीजिए, q-1, p+2, 0, 0, 3। एंड यहाँ से M4 हम ले लेते हैं, 0p-2, 2, 0q-1, p+2, फर्स्ट रो को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर के जितने भी पॉसिबल माइनर्स हैं वो हमने लिए, और क्योंकि इसका रैंक लेस देन 3 है, इसका मतलब ये क्या होगा, इक्वल्स टू 0, सभी के सभी इक्वल्स टू 0 होंगे। सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, implies that अगर M1 0 है, यानी कि determinant equals to 0 है, so 1 into p-2 into p+2, and यहाँ से करते हैं solve, -2 into q+2। minus determinant के लिए मैंने यहाँ पे apply कर दिया, multiply कर दिया यहाँ पे, this equals to 0। clear that, so p-2 p² -4, सॉल्व कर लें इसको, -2q+2 = 0। ये आ जाएगी हमारे पास कंडीशन, p² -2q-2 = 0, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंड करते हैं, यानी कि M2 अगर 0 है तो यहाँ से 1 into 3p-6, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, 0 = 0। यहाँ से मैं P की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये आ जाएगी 2। इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, 3q-3, एंड ये हमारे पास हो जाएगा 0, दिस इक्वल्स टू 0, एंड q = 1। अब q = 1 और p = 2 के लिए क्या ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारी वैल्यूज सही हैं, क्योंकि p = 2 पुट करेंगे, q = 1 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से सारे डिटर्मिनेंट हमें 0 मिलेंगे। अगर एक भी नॉन जीरो हो जाता है p q की वैल्यू के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो p और q की वैल्यू हमारी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रैंक हमें लेस देन 3 बोला गया है, तो सारे डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आने चाहिए। ऑलराइट, और ये डिटर्मिनेंट क्योंकि पूरा का पूरा एक कॉलम 0 है, तो हमारे पास 0 आना ही है। तो p की वैल्यू 2 अगर मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, क्यू की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब p = 2 q = 1 हमारे पास सही वैल्यूज है, जिससे हमें 3x3 ऑर्डर का माइनस 0 मिल रहा है। अब हमें रैंक फाइंड आउट, ये तो हो गई कंडीशंस, ये कंडीशंस हमारे पास आ गई, p² - 2q - 2 = 0, p = 2 और q = 1, ये हमारे पास आ जाती है कंडीशंस। कब? जब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स लेस देन 3 है। अब हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है, यहाँ पे P और Q की वैल्यू पुट कर दो, तो A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0
पी की वैल्यू हमें 2 पुट करना है, ये 0 हो जाएगा 2, 0, क्यू की वैल्यू को 1 पुट करना है 0, 4, 0, 0, 3, ये हमारे पास आ, ठीक है। अब क्योंकि इसका जो रैंक है वो या तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, समझ गए, 3 तो हो नहीं सकता है, तो हम यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का तो चेक करेंगे नहीं, कोई भी 2x2 ऑर्डर का यहाँ पे आप सब मैट्रिक्स उठा लीजिए, ऐसा सब मैट्रिक्स जो इसकी जो वैल्यू है नॉन जीरो आ सके, तो ऐसा तो कोई सब मैट्रिक्स हमें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सब मैट्रिक्स लेकर चलती हूँ 1 0 0 2, अगर मैं ये सब मैट्रिक्स ले लेती हूँ, सो डिटर्मिनेंट यानी माइनर ऑफ दिस सब मैट्रिक्स 1 0 0 2 इज इक्वल्स टू 2 - 0 इज टू नॉट इक्वल्स टू 0। तो एक सब मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने बता दिया 2x2 ऑर्डर का, कि इसका जो 2x2 ऑर्डर का जो माइनर है वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, इसलिए रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। क्लियर दैट। तो हमें सिर्फ वही चूज़ करना है जो हमें लगे कि ये हमारे पास नॉन जीरो आ सकता है, आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो 2x2 ऑर्डर का जो माइनर है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है ABC यहाँ पे रियल नंबर्स, ओके। तो हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है, 3x3 ऑर्डर का हम माइनर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, और उसको देखेंगे इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रही हूँ, 1 1 1 ABC AQ BQ CQ। आप चाहें तो यहाँ पे ऑपरेशन सप्लाई करके और हम यहाँ पे इसको शॉर्ट बना सकते हैं, यानी कि 2 प्लेसेस पे 0 बना सकते हैं, इसके उसके बाद एक्सपेंड कर सकते हैं, क्लियर। तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, सबसे पहले मैं C1 में से C2 को माइनस कर देती हूँ एंड C2 कॉलम में से C3 को माइनस कर लेते हैं, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0। C1 में हमें अप्लाई करना है, C2 पे अप्लाई करना है 1, A - B AQ - BQ, यहाँ से B - C BQ - CQ और लास्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है। कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन कैसे ले सकते हैं, AQ - BQ को आप लिख सकते हो, AQ - BQ इज A - B A² + B² + AB, ठीक है जी। इसी तरीके से हम यहाँ पे BQ - CQ को लिख सकते हैं, B - C B² + C² + BC, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, A - B इस कॉलम से, B - C इस कॉलम से कॉमन आएगा और हमारे पास आ जाएगा A - B इंटू B - C डिटर्मिनेंट 0 1 A² + B² + AB, यहाँ पे 0 1 B² + C² + BC 1 C CQ। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, A - B B - C एक्सपेंड कीजिएगा तो 2 प्लेसेस पे 0 है, थर्ड कॉलम के यानी कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे इसको, 1 × दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा B² + C² + BC -A² - B² - AB, राइट। यहाँ से हमें इसके करने हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन कैसे कीजिएगा, A² - B² - B² - C² इस टाइप से हम बना सकते हैं इसके, और यहाँ से हम B कॉमन ले सकते हैं, C - A हमारे पास आता है, ऑलराइट। सो B² से B² कैंसिल ही कर दो, अब कॉमन आ जाएगा, दिस इज A - B B - C, यहाँ से C² - A² को लिखोगे C - A × C + A, है ना, और इन दोनों में से अगर मैंने B कॉमन लिया तो ये आ जाएगा C - A, ठीक है, ओ C - A, A - B B - C C - A, C - A दोनों में से कॉमन आ रहा है, इधर आ जाएगा A + B + C। तो ये आ गया हमारे पास 3x3 ऑर्डर का जो माइनर है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि इसकी
कौन सी वैल्यू पे हम बता सकते हैं कि हमारा जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल्स टू जीरो रहेगा। ठीक है जी, अब देखिए यहां पर अगर ए प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी केस फर्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है और ए बी सी कैसे है, रियल नंबर हमारे पास है, ठीक है जी, तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू जीरो और ए बी सी अगर डिफरेंट है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए बी सी आर डिफरेंट। डिफरेंट क्यों लिखा हमने, क्योंकि अगर सेम हो जाते हैं, ए बी सी में से कोई भी एक सेम हो जाता तीनों में से, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए जीरो वैल्यू दे सकता है, तो डिटरमिनेंट हमारा जीरो आ जाएगा, तो इसका जो रैंक है वो थ्री नहीं होगा, है ना। तो केस फर्स्ट में हमने कहा कि ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, ए बी सी तीनों डिफरेंट है, सो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री इज नॉन जीरो, कैसे रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है जी, केस सेकंड में हम डिस्कस करते हैं, केस सेकंड, यहां से ही आपको हर पॉसिबिलिटी लेकर चलनी है। ए बी सी अगर डिफरेंट है, अगर ए बी सी डिफरेंट है और ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाता है, सेकंड केस में हम लेकर चलते हैं, ए बी सी आर डिफरेंट बट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, अगर ये जीरो आ गया इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री जीरो हो जाएगा, सो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू थ्री क्या होगा, रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री हो जाएगा, रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री, क्योंकि ये अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है तो थ्री रैंक नहीं रहेगा, लेस देन थ्री आ जाएगा। अगर लेस देन थ्री आ जाता है तो यहाँ से हम बता सकते हैं, क्योंकि ए बी सी हमारे पास डिफरेंट नहीं है, तो रैंक अगर थ्री से लेस है तो कितना होगा, हमें रैंक भी बताना है ना मैट्रिक्स ए का, इस केस में तो रैंक थ्री हो गया, इस केस में रैंक थ्री नहीं हो सकता है तो कितना होगा, टू होगा या वन होगा, तो यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ, टेक माइनर ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस टू वन वन ए बी दिस इक्वल्स टू बी माइनस ए, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा भाई, इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, यानी कि नॉन जीरो होगा, सो देयरफॉर इस केस में रैंक क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का टू हो जाएगा, क्योंकि टू क्रॉस टू ऑर्डर का जो माइनर है मेरे पास वो क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। अंडरस्टैंड, केस थर्ड में देखते हैं कि अगर ए बी सी मेरे पास तीनों इक्वल है, ठीक है, कोई भी दो इक्वल ले लेते हैं हम, अगर मान लो हम ले लेते हैं ए बी इक्वल हमने लिया लेकिन सी के इक्वल नहीं है, केस थर्ड में हम ले लेते हैं ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, यानी ए और बी तो इक्वल है, तीनों में से कोई दो इक्वल है, कोई दो इक्वल है, मैं एक बार ले लेती हूँ कि ए इक्वल है बी के और दोनों जो हो वो सी के इक्वल ना भी हो, यानी कि ए नॉट इक्वल्स टू सी, बी नॉट इक्वल्स टू सी। अगर ए और बी इक्वल है तो ए माइनस बी जीरो वैल्यू देगा, अगर ये जीरो हो गया तो डिटरमिनेंट ऑफ थ्री क्रॉस थ्री जीरो हो जाएगा, तो रैंक क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, सॉरी नॉट इक्वल्स टू थ्री, राइट। सो इस केस में रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू थ्री, समझ में आया, थ्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए माइनस बी जीरो वैल्यू देगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री जीरो आ जाता है, इसलिए इसका रैंक थ्री नहीं होगा। हमने कहा कि बी सी के इक्वल नहीं है, कोई भी दो इक्वल लेकर चलना है, किसी एक के नॉट इक्वल लेकर चलना है, तो हर केस को हमें डिस्कस नहीं करना, यानी कि ए इक्वल्स टू बी ले लेते हैं और सी के इक्वल नहीं होगा, यानी कि दो इक्वल होंगे तीनों में से, थर्ड इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ से अगर ए इक्वल्स टू बी है तो ये डिटरमिनेंट भी क्या आंसर दे रहा है, जीरो वैल्यू दे रहा है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डिटरमिनेंट वन वन बी सी दिस इक्वल्स टू सी माइनस बी, और क्योंकि बी सी इक्वल नहीं है तो ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा,
सो इस केस में भी रैंक क्या हो गया, ए का 2 हो गया। किस केस में? जब तीनों में से मेरे पास 2 इक्वल आ जाते हैं। समझ में आ गया? अगर ए बी सी मेरे पास आ जाते हैं सारे के सारे इक्वल, अगर ए बी सी सभी के सभी इक्वल आ जाते हैं तो इसका रैंक क्या होगा? तो हमें इसका रैंक बताना है कि इसका जो रैंक है वो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा मुझे यहाँ से। यहाँ देख लेते हैं केस नंबर 4, हम यहाँ पे लेकर चलते हैं लेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तीनों हमने इक्वल ले लिया, अगर तीनों इक्वल ले लिया तो ये जो 3x3 ऑर्डर का जो माइनर है ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 3, 3 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ए बी सी यहाँ पे सारे इक्वल आ जाते हैं। ओके, इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो रैंक है वो क्या हो सकता है। अगर मैं 2x2 का कोई भी यहाँ पे ले लेती हूँ, अगर मैट्रिक्स ए को मैं फॉर्म कर लेती हूँ 1 1 1 ए ए ए, क्योंकि सभी इक्वल है ना, तो सबको मैं ए के इक्वल ले लेती हूँ। 3x3 ऑर्डर का तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं 0 आ रहा है माइनर। 2x2 ऑर्डर का कोई भी उठा लीजिए आप, कोई भी 2x2 ऑर्डर का जो सब मैट्रिक्स ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डिटर्मिनेंट ए ए ए क्यू ए क्यू, कोई भी ले लीजिए, ये भी क्या आएगा 0 आए, दिस इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसका जो रैंक है वो 2 भी नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो रैंक कितना होगा इसका? 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो नॉन जीरो नंबर है ना। समझ में? तो क्योंकि इसका जो रैंक है वो 2 भी नहीं आ रहा है, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा इस केस में? रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1x1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बनेगी ये हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन में सभी केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, चाहे आपको यहाँ पे दे नहीं गए हैं कि ये कंडीशंस हैं, तो इस क्वेश्चन में सारी कंडीशंस भी आपको ही लेकर चलनी है और चारों केसेस आपको यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एंड बी इज नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, शो दैट रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमें बताना है कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। देखिए हमें बोला गया कि ए क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, यानी कम से कम एक एलिमेंट मैट्रिक्स ए का नॉन जीरो जरूर होगा। और कॉलम मैट्रिक्स हमें बोला गया, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लेट ए मैट्रिक्स इज ए 1 1 ए 2 1 ए 3 1 अप टू सॉन ए एम 1। ठीक है भाई, एम क्रॉस 1 ये हमने लिया एक कॉलम मैट्रिक्स ए, और एक हमें बोला गया है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बी से हम डिनोट कर लेते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा बी 1 1 बी 1 2 बी 1 3 अप टू सॉन बी 1 n, 1 क्रॉस n ऑर्डर। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स से कॉलम मैट्रिक्स बी है, रो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मेरे पास है m क्रॉस 1 इंटू बी का ऑर्डर मेरे पास है 1 क्रॉस n, तो ए इंटू बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा भाई, m क्रॉस n होगा। यानी मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ए और बी मैट्रिक्स की, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दोनों की मल्टीप्लीकेशन, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ए 1 1 और बी 1 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि ए 1 1 बी 1 2 ए 1 1 बी 1 3 अप टू सो ऑन ए 1 1 बी 1 n। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए 2 1 बी 1 1 ए 2 1 बी 1 2 ए 2 1 बी 1 3 अप टू सो ऑन ए 2 1 बी 1 n, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट रोज हमारे पास रहेंगी अप टू सो लास्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम ए एम 1 बी 1 1, लास्ट रो सेकेंड कॉलम, लास्ट रो थर्ड कॉलम अप टू सॉन
ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट रो लास्ट कॉलम, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, एम क्रॉस एन। तो अब जो हमें कंडीशंस गिवन है उस कंडीशन के बेस पर हम देखते हैं, हमें नहीं पता इनमें से कितने नंबर्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो हम मिनिमम से मिनिमम जो क्राइटेरिया उसको लेकर चलते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है गिवन दैट ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड बी इज आल्सो नॉन जीरो मैट्रिक्स, सो ए इंटू बी ये भी क्या होगी, ये भी तो नॉन जीरो ही होगी ना, नॉन जीरो मैट्रिक्स। ए इंटू बी भी क्या होगी, नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। ए जीरो, मान लीजिए बाकी के नंबर हमारे पास है जीरो जीरो, मैं थ्री क्रॉस वन ऑर्डर की यहाँ पे ले लेती हूँ, और बी लेना है मुझे कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर हम ले लेते हैं कम एक नंबर ऐसा बी जीरो जीरो, एक नंबर जो कि नॉन जीरो नंबर, क्लियर दैट। अब हमें ये पता है कि ए अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उनकी जो मल्टीप्लाई है वो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब कम से कम हमें लेकर चलना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके कितने नंबर जीरो के इक्वल है। हो सकता है दो नॉन जीरो हो, एक नंबर इक्वल्स टू जीरो हो, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि ए बी जो मल्टीप्लाई है वो भी नॉन जीरो है, दैट मीन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, ये तो जरूर है हमारे पास। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ ए इंटू बी, क्या आएगा मेरे पास, ए बी देन जीरो 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 नेक्स्ट जीरो जीरो जीरो, तो कम से कम एक नंबर मुझे मिला जो कि नॉन जीरो होगा। इसी टाइप से कहीं पर भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, कहीं पर भी ये नॉन जीरो नंबर हो सकता है। तो हमें इतना पता है कि ए इंटू बी जो है वो उसके पास भी एक नंबर एक एलिमेंट नॉन जीरो होगा, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, वन होगा। एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स has non zero, इसलिए क्योंकि एक नंबर इसका नॉन जीरो, तो इसका रैंक भी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्योंकि हमें मैक्सिमम क्राइटेरियाज नहीं पता कितने एलिमेंट इसके जीरो हैं कितने इसके नॉन जीरो, तो कम से कम हम लेकर चलेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, तो हमें बताना था कि रैंक ऑफ ए बी भी वन होगा। तो क्योंकि एक नंबर अगर कम से कम लेकर चले, तो एक नंबर इसका नॉन जीरो, एक नंबर इसका नॉन जीरो, तो ए इंटू बी का भी कम से कम एक नंबर नॉन जीरो, तो इसका रैंक हो गया वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। इस क्वेश्चन की बहुत शिकायतें आती हैं स्टूडेंट्स की एग्जाम, मोस्टली एग्जाम टाइम पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा जो आपके फैक्ट्स या बेसिक जिसको हम कहते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या कहता है कि ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रैंक एन माइनस वन, शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये हमें बता। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर है एन क्रॉस एन, एंड आपको दिया गया है कि रैंक ऑफ ए कितना है, एन माइनस वन। तो यहीं से चीज समझ लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए हमें बताना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या रिलेशन है, ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस एन और ए का रैंक है एन माइनस वन, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए का माइनर कम से कम एक माइनर एन माइनस वन ऑर्डर का नॉन जीरो होगा। ओके, एज rank of a equals to n minus 1, therefore at least one minor of order n minus 1 of matrix a
इज नॉन जीरो। इतना समझ में आ गया कि अगर ए का ऑर्डर एन माइनस वन है तो ए मैट्रिक्स का माइनर, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ एम वन वन, क्योंकि इसमें एम वन ले लेते हैं, एम वन वन नहीं, एम वन कम से कम एक माइनर कितने ऑर्डर का होना चाहिए, एन माइनस वन क्रॉस एन माइनस वन, ये क्या होगा नॉट इक्वल्स टू जीरो। तभी तो ए मैट्रिक्स का रैंक जो है वो एन माइनस वन हुआ। क्लियर दैट इन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉन जीरो। क्लियर, अब चलते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए और माइनस का क्या रिलेशन है। हमें ये पता है नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्ट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ सी वन वन सी वन टू अप टू सॉन सी वन एन, एन क्रॉस एन ऑर्डर की हमारे पास है, सी टू वन सी टू टू अप टू सॉन सी टू एन, लास्ट में हम ले लेते हैं सी एन वन सी एन टू अप टू सॉन सी एन एन। ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आता है। अब कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर सी वन वन क्या होता है भाई, माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस वन इंटू एम वन वन, एम वन वन इज द माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। अंडरस्टैंड, अब यहां पर सी वन टू माइनस वन रेज टू पावर दिस इज वन प्लस टू, थ्री लिख दू डायरेक्ट इंटू एम वन टू। इस टाइप से हम ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर्स। क्लियर दैट, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर ए मैट्रिक्स आपके पास है वन थ्री टू वन फोर सिक्स सेवन थ्री नाइन, ये आपको मैट्रिक्स की बात है, मुझे इसका कोफैक्टर यानी कि सी वन वन फाइंड आउट करना है। सी वन वन मीन्स माइनस वन रेज टू पावर टू इंटू एम वन वन, एम वन वन क्या होता है भाई, माइनर ऑफ ए वन वन, एम वन वन क्या होता है माइनर ऑफ ए वन वन, ए वन वन यानी कि इस नंबर का माइनर। कैसे निकालते हैं, एम वन वन की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ फोर सिक्स, यानी कि ये रो ये कॉलम स्किप कर देते हैं, फोर सिक्स थ्री नाइन ये डिटर्मिनेंट आ जाता है। अब समझो एक चीज़ यहाँ पे, ए मैट्रिक्स मैंने लिया थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का, तो एम वन वन का ऑर्डर कितना है टू क्रॉस टू। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन और जब आप कोफैक्टर निकाल रहे हो तो यहाँ पे माइनर किस ऑर्डर का यूज करेंगे, एन माइनस वन ऑर्डर का। हमने कहा कि भाई कम से कम एक माइनर एन माइनस वन ऑर्डर का नॉन जीरो होगा, कम से कम एक माइनर अगर नॉन जीरो है इसका मतलब कोई ना कोई कोफैक्टर, कोई ना कोई एक, कम से कम एक कोफैक्टर, कम से कम एक कोफैक्टर इस पूरी मैट्रिक्स में नॉन जीरो होगा। और अगर एक नंबर भी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का नॉन जीरो आ गया तो एडजॉइंट ऑफ क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉन जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर दैट, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, करके नहीं दिखाना कुछ भी, सिर्फ हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कहा कि रैंक ऑफ ए अगर एन माइनस वन है तो देयरफॉर एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉन जीरो। क्लियर, सो अगर माइनर नॉन जीरो है सो कोफैक्टर एटलीस्ट वन कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो नॉन जीरो, सो देयरफॉर यू कैन से दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो नॉन जीरो। क्लियर दैट, तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज के लास्ट के क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको रैंक फाइंड आउट करना है और जो डिटरमिनेंट मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ उसी से आप इसका जो रैंक फाइंड आउट करेंगे। इस कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई भी डाउट है या कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है या किसी भी सिलेबस से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन नंबर दिए गए हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।